हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों इक्वेशन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जिस तरह हमने गति के इक्वेशंस को पढ़ा था, समीकरणों को पढ़ा था, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के समीकरणों को। ठीक है बच्चों, चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है फ्री फॉल या मुक्त पतन से, जो कि हमने पिछली बार कवर किया था। क्या कॉन्सेप्ट था ये? कॉन्सेप्ट ये था कि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं और वो एक सर्टेन हाइट या ऊंचाई पे पहुंच करके नीचे गिरना शुरू करता है। अब वो जब गिरता है तो गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉल जी, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम कह रहे थे, इसी को हम कह रहे थे फ्री फॉल या मुक्त पतन बच्चों, और इसी को एक टर्म दी जाती है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हमने ध्यान दिया था बच्चों पिछली बार हमने बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड माइनस टू में हम नापते हैं। अब बात आती है बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंसीडर करना है, यानी एफ बराबर हो गया हमारा एम गुणा जी, ये बेसिक हो गया। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से क्या हो गया बच्चों, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल और स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ अर्थ, क्योंकि बड़ा है वो, तो उसने बड़े से डिनोट किया। स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटा है कंपैरिजन में काफ़ी, तो उसे छोटे से डिनोट किया है। और जो डिस्टेंस बिटवीन है ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से, यानी अर्थ के बिल्कुल बीच से, उसे हमने लिया है डी। ठीक है, अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्मॉल जी, तो ये दोनों इक्वेशन को हमें कर देना है बराबर। ठीक है बच्चों, जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और जो कैपिटल जी, जैसे हमने वैल्यू निकाली थी, वैसे हमें वैल्यू मिलेगी स्मॉल जी की, जो कि बराबर होगी किसके, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर। अब जो अब आप सभी को पता है बच्चों, जो D है वो सरफेस ऑफ अर्थ है, तो D इज इक्वल टू R, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो उसे हम एक तरह से और लिख सकते हैं बच्चों, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इससे हमें G की वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल G की बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो अर्थ है, क्योंकि एक समान पूरी तरीके से परफेक्ट स्पैर नहीं है, गोलाकार नहीं है, तो होता क्या है, जो जी की वैल्यू है वो ग्रेटर होती है पोल पे इन कंपैरिजन टू इक्वेटर, यानी जी का मान ध्रुव जो ध्रुव पर है विषुवत की तुलना में अधिक होता है बच्चों। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब क्योंकि कैलकुलेशन में हमने जी तो निकाल लिया था, क्योंकि हमने स्मॉल जी तो निकाल लिया था बच्चों, ये कैसे किससे हमें मिलेगा। अब बात आती है इसमें वैल्यू पुट अप करने की। जब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी वैल्यू पुट अप करने के बाद हमें मिलेगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, एज द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी स्मॉल जी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अंततः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बराबर हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों बेसिकली हमने अब यहाँ पर उस पूरे वीडियो में क्या सीखने की कोशिश की, पहला पार्ट जो है हमारा कि जो आपका स्मॉल जी है उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसी से ही हमारी बाकी जो इक्वेशंस है वो जुड़ी हुई। तो बाकी की वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, बाकी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।